स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे DIT के बारे में, मतलब कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, इसमें पेपर कैसे आते हैं, कोर्स इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल थ्योरी, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। DIT मतलब डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में DIT के नाम से जानते हैं। यह एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है जिसे आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें पूरी, एक साल का कोर्स होता है जो आपको बताया जाता है, मतलब कि ड्यूरेशन जो है अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको एक साल तक इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो पेपर होता है वो 5 पेपर आपको देने होते हैं। 5 पेपर देने के बाद इसमें आगे का जो स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल आपको 2 देने होते हैं, DIT का 2 प्रैक्टिकल, जो कि वहीं आपके सेंटर पे ही होगा जहां से आप ये कोर्स करते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर की। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका स्कोप क्या क्या है। उसके बाद अगला जो आता है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये एक प्रकार का DOS होता है, जहां मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तीसरा आता है विंडोज के बारे में बताया जाएगा, विंडोज का ओरिजिन कब से हुआ और अभी क्या चल रहा है, इसका यूज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। पेंट, स्मॉल ग्राफिक पैकेज, पेंट जिससे हम लोग डिजाइन बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह कोई भी सेप देना चाहें वो। वर्ड पाइट, ये स्मॉल ग्राफिक पैकेज, इसमें पिक्चर इंसर्ट करना, टेक्स्ट को कलर करना, बोल्ड करना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है MS वर्ड अ कंप्लीट राइटिंग पैकेज। MS वर्ड, MS ऑफिस का ये पूरा जो पैकेज होता है उसमें कई सारे टूल आते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो जो बताया जाएगा MS वर्ड के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसमें ये समझ लीजिए राइटिंग के लिए सबसे अच्छा टूल यही होता है। उसके बाद MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये MS ऑफिस का ही पार्ट है, MS वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों उसी का पार्ट है। उसके बाद इसी में आपको बताया जाएगा कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप और ओरेकल 8i 9i। कोरेल ड्रॉ जो है लोगो वगैरह बनाने के लिए, फोटोशॉप का यूज होता है फ़ोटो की एडिटिंग के लिए, एक प्रोफेशनल तरीके से आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से, सबसे अच्छा टूल है फ़ोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप। और ओरेकल भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, शैली एंड HTML, डिजाइनिंग वेब डिजाइन कैसे होता है, और प्रोग्रामिंग आपको प्रोग्रामिंग बेसिक में सिखाई जाएगी। अकाउंटिंग में टैली जो है बिजनेस के लिए सब ज़्यादा यूज होता है, जितनी भी बिजनेस कंपनी है सब टैली यूज करती हैं, HTML भी। उसके बाद पेज मेकर एक एप्लीकेशन होता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको DIT के बारे में बताया कि DIT के पेपर कैसे होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल आपको कितने देने होते हैं, उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें।